नमस्कार, खबर जोन से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं जुगल किशोर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से आपको जौनपुर जिले में स्थित शाही किले के सबसे ऊंचे टीले के रहस्य से रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए खबर जोन से न्यूज चैनल के साथ और देखिए हमारी यह खास पेशकश। दोस्तों, हम लेके चलते हैं इस किले के दूसरे छोर पे और दिखाते हैं कि किले का जो निर्माण किया गया था किस नदी के किनारे किया गया है। तो यहाँ पे जौनपुर शहर में गोमती नदी है और गोमती नदी के किनारे इस जो किले का निर्माण करवाया गया था। तो हमारे कैमरामैन आशीष पटेल जी आपको दिखा रहे हैं। देखिए सामने सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएगा गोमती नदी, यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से जा रही है। तो उस समय के जो भी शासक हुआ करते थे तो उनका यही सोच हुआ करता था किसी नदी के किनारे हमारा किला बने, टीला बने। तो काफ़ी ऊंचे टीले पे इस किले का निर्माण करवाते थे। तो हम इस समय उस किले के सबसे ऊंचे टीले पे पहुंच गए हैं। इस टीले का बनाने का उस समय के शासक जो भी होते थे उनका यही उद्देश्य हुआ करता था कि अगर हमारे पास एक किला हो तो किले पे एक ऐसा स्थान हो जिससे हम अपने जो भी शासनकाल के यहाँ की प्रजा है, जनता है, उसको देख सकें, अपने नज़रों से यहाँ से वो देखा करते थे कि हमारी जनता, हमारी प्रजा कैसी है। तो देखिए वही स्थान है, वही ऊंचा स्थान है, वही ऊंचा टीला है जिससे आप शहर की चारों तरफ की दृश्यों को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी, शहर में क्या चल रहा है, किस प्रकार की इस शहर की बनावट है, क्या सुंदरता है, कैसा यहाँ पे आवागमन का सिस्टम है। तो उस समय इस ऊंचे स्थान को बनाने का यही तात्पर्य था। उस समय के शासक जो भी हुआ करते थे उनकी वही यही विचारधारणा थी कि हमारे किले में कैसा ऊंचा स्थान हो जिससे कि हम खड़े होके इस शहर से, इस किले के चारों तरफ जो भी हमारा शहर बसा उसको देख सके। अब हमारे कैमरा मैन आशीष पटेल जी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा जो आप सामने देख रहे हैं पुल है, शाही पुल के नाम से जाना जाता था उस समय, उस जमाने में वही पुल हुआ करता था। उसी पुल के द्वारा यातायात का जो भी सिस्टम हुआ करता था, इस शहर में आवागमन का जो भी सिस्टम था उसी पुल के द्वारा किया जाता था। तो देखिए वही पुल है, अभी भी पुराना सारा सिस्टम बना हुआ, पूरा मुगलकालीन नक्काशी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस समय क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। यहाँ पे सामने दिखाया जाएगा हमारे चैनल खबर सेवन जी के माध्यम से, जो पुल बना हुआ है इसे सद्भावना पुल के नाम से जाना जाता है। और इसके सामने एक और पुल का निर्माण कर दिया गया है इस नदी पे। तो सामने देखेंगे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे धार्मिक स्थली चौकियाँ, शीतला धाम चौकियाँ के नाम से काफ़ी फेमस है यह स्थान, यह शहर। वहाँ जाने के लिए वो पुल बनाया गया है। तो वहाँ के जो भी होते हैं श्रद्धांजलि वहाँ पे निकल जाते हैं भक्तगण। और यहाँ पे जो इधर के लोग हैं किले के लिए आने के लिए इस रास्ते का भी यूज कर लेते हैं और शाही किले का भी यूज कर लेते हैं जो पुल बना हुआ है। तो अब हम लेके चलते हैं, यहाँ की जो भी सुंदरता है उसको दिखाते हैं अपने चैनल खबर सेवन सी के माध्यम से।